रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अचानक पहुंचे कीव और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलकर करोड़ों रुपए की सैन्य मदद का वादा किया और रूस को अपनी हद में रहने की चेतावनी दी। दूसरी ओर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हाल ही में दावा किया कि चीन रूस को हथियार और गोला बारूद देने पर विचार कर रहा है। ब्लिंकन ने कहा कि चीन पहले से ही रूस को कई तरीकों से सपोर्ट कर रहा है, अब वो लीथल सपोर्ट देने पर भी विचार कर रहा है। दो ताकतवर देशों रूस और चीन को इस कदर नजदीक आते देख अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो चीन को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या रूस अब भारत के मुकाबले चीन के ज्यादा करीब है? भारतीय अमेरिकी मूल के प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल मुक्तदर खान का कहना है कि ये सही है कि इस साल रूस के साथ भारत का व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश बना, लेकिन चीन और रूस के बीच व्यापार भारत के कुल व्यापार का करीब 6 गुना है। अब्दुल मुक्तदर खान ने आगे कहा कि रूस के अच्छे सहयोगी देश के रूप में चीन और भारत के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन अगर इस मुश्किल परिस्थिति में चीन रूस को हथियार सप्लाई कर देता है तो ये संभव है कि रूस भारत से ज्यादा चीन को अपना करीबी माने। इसके अलावा रूस और ईरान के बीच भी हथियार को लेकर बातचीत जारी है। रूस ईरान को SU-35 देगा, इसके बदले ईरान रूस को ड्रोन्स देगा। ऐसे में रूस, चीन और ईरान का एक समूह बन रहा है जो पश्चिमी देशों के खिलाफ है। अब्दुल मुक्तदर खान ने भारत के प्रति अमेरिका के नर्म रुख पर भारत को सतर्क रहने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा, भारत अभी तटस्थ है, इसलिए अमेरिका भारत के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहा है और ट्रेड से लेकर रूस के मामलों को बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन अगर भारत अमेरिका के पक्ष में झुका तो अमेरिका भारत पर रौब जमाना शुरू कर सकता है, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ अमेरिका ऐसा कर चुका है। वैसे ये देखने वाली बात होगी कि रूस को हथियारों की कितनी जरूरत होगी, क्योंकि रूस तो भारत समेत कई देशों को सैन्य सहायता दे रहा है। इसके अलावा युद्ध के मुद्दे पर भारत की तटस्थता का फिलहाल किसी ने विरोध नहीं किया है और भारत की मजबूत विदेश नीति की दुनिया में तारीफ ही हो रही है, इसीलिए लगता नहीं कि भारत को फिलहाल चिंता करने की कोई जरूरत है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।